तरीन वाम योम दीन दिन के नाम पर कतलेआम का सिलसिला तमाम अदियन के लिए बदनामी का और तमाम अदियन के पैरोकारों के अगली नस्लों की दीन से दूरी और दीन के मज़ाक बनने का सबब है दीन के नाम पर कहीं भी कत्लेम हो खूस मज़लूम आवाम का चाहे वो किसी भी दीन और मज़हब के पैरोकार हैं ये इंतहाई बदतरीन जुर्म है और उससे बड़ा जुर्म यह है कि मुख्तलिफ अदियान के पैरोकार किसी भी मजलूम के कत्ल पर खामोश रहें या उनकी खामोशी तइद की सूरत में हो जो कुछ हो रहा है इस वक्त फ़लस्तीन में मजलूम आवाम के साथ गो के ये जुल्म वहाँ के क्रिश्चियंस पर भी हो रहा है लेकिन मुसलमानों पर ज़्यादा हो रहा है और इस सूरत हाल में खुद यहूदी उलमा का खामोश रहना उनके दीन की बदनामी का सबब है इसी तरीक़े से अगर कहीं कोई बेकसूर यहूदी मारा जाए और मुसलमान खामोश हों तो ये इस्लाम की बदनामी का सबब है लिहाजा हम सबको खुल के कहना चाहिए कि दीन के नाम पर कतलेआम का सिलसिला रुकना चाहिए तमाम अधियान की बदनामी का सबब है हमें मजम्मत करनी चाहिए हर िम की और यही हुक्म है क़र और अहल बैतम सलातम का और साथ देना चाहिए हमें हर मज़लूम का और यही आखिरी वसीयत थी मौलानी सलातम की कून खसमा वलमजलूम ओना हम हर जालिम की मुखालफत करें चाहे वो हम पर जुल्म करे और चाहे कोई हम में से हो और किसी और पर जुल्म करे लिहाजा अगर इसराइली मुसलमानों पर जुल्म करते हैं तो हमें उसकी मजम्मत भी करनी चाहिए लेकिन यूरोप में जो हिटलर ने उन पर जुल्म किया हमें उसकी भी तायद नहीं करनी चाहिए जो बज दफ़ा सोशल मीडिया में देखने में आती है क्योंकि रसूल वसल्लम और कभी भी हिटलर की तायद ना करते बस हम हिटलर के जुल्म की भी मुखालफत करें और आज कोई भी हुकूमत क्योंकि बिलाशक इन गेम्स के पीछे यूरोप और अमेरिका की बहुत सारी हुकूमतों का हाथ है बस जो कुछ फ़लस्तीन में हो रहा है वो ना फ़क्त इस्लाम के लिए बल्कि दीगर अद्वान के लिए भी ख़तरनाक है अल्हम्दुलिल्लाह अहिल बैतून के चाहने वाले चाहे आयतलदर हों इनकलाब से पहले से फलस्तियों की हमायत कर रहे हैं और दीगर हमारे महराज एजाम और इनकलाब के बाद इमाम खुमैनी ने मदद की फ़लस्तियों की और खसूस योमखस का एलान किया और इसी तरह से आज भी ईरान के तमाम कराम और महराज एजाम अहल फलस्ती की हमायत कर रहे हैं ये जानने के बावजूद कि वह अहल सुन्नत हैं क्योंकि हम हर मज़लूम के साथ हैं और हर ालम के ख़िलाफ़ हैं दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अफ़ग़ानिस्तान में आज किस तरह से सैदुल शहदा इस्कूल की बच्चियों का कत्ल आम किया गया कि अब तक की इतला के मुताबिक पचास बच्चियाँ शहीद हो चुकी हैं और दो सौ के करीब बच्चियाँ और कुछ अफराद जो उस वक्त वहाँ चल रहे थे वो ज़म्मी हो चुके हैं तालिबान का ये कहना है कि ये आई एस आई एस का काम है लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि तालिबान और आई एस आई एस अलग अलग हैं क्या तालिबान आई एस आई एस बोक हराम अशबाब रियाजाल की लश्कर जंगवी सिपाही सहाबा अलकायदा ये एक ही स्कूल ऑफ थॉट से इनका ताल्लुक़ है यानी दियोबंदियत यहाँ पर हम नहीं कहते कि तमाम देवबंदी इस चीज़ की तइद करते होंगे लेकिन अगर ऐबंद खुल के फतवे नहीं देते और बार बार नहीं देते तो इसके माना ये हैं कि इनका साथ तो है अब पाकिस्तान की आर्मी को ये चाहिए कि इन तमाम मुफ्तियों को इनकी फैमिलीज के साथ जमा करें और इनसेहद लें इनसे कसम खिलवाएँ इन, इन इकरार लें कि अगर हमने किसी भी दहशत गर्दी किसी भी दीन व मजहब के खिलाफ की और उसका साथ दिया और उसकी ताइत की और अगर मालूम होने के बाद खामोश रहे और किसी भी तरह से उसको सपोर्ट किया चाहे लिख कर चाहे बोल कर चाहे एस एम एस से चाहे इशारे से चाहे किसी भी तरीके से तो हमारी बीवियों को तीन तलाक़ें हो जाएंगी मुमकिन ये बात किसी को लतीफ़ा लगे लेकिन इस कस्म के अफराद को इन्हीं के हरबे से रोकना ज़रूरी है बल्कि अक्सर मुफ्तियों को मदरसों को और तलबिल्मों को आर्मी वालों की जिम्मेदारी है कि इस तरह से जमा करें और उनसे इस कस्म का इकरार लें अब यहाँ पर लाजम है खूस द्यवंदीमा परसूस जो अपने आप को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान भी कहलवाना पसंद करते हैं कि वो खुल के कहें खुल के फतवा दें और जब जब ज़रूरत हो जब जब कोई हादसा हो तो खुल के फतवा दें कि इस कस्म का कत्लेम किसी भी दीन और मजहब के साथ हराम है अगर वो खामोश हैं तो इसके माना यह हैं कि वो इसके साथ हैं दुआ है कि खुदाबंद तबारक व तौ तमाम अधियान और मजाहब के पैरोकारों को ये समझने की तोहफी खतः फरमाएँ कि दीन के नाम पर शिद्दत तमाम अधीनान के खिलाफ है